इनके शब्द क्या है, प्रधानमंत्री जी के शब्द क्या है, मंगलसूत्र है, गाय है, गोबर है, हिंदुस्तान है, मुसलमान है, पाकिस्तान है, कब्रिस्तान है, हमारे ये शब्द नहीं है। हमारे शब्द क्या है, राहुल जी के शब्द हैं, गठबंधन के शब्द क्या है, कांग्रेस पार्टी के शब्द हैं, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये हमारे शब्द हैं। पहले वो बताएं हेमंत बिश्व शर्मा जी, जिन्होंने विशेषकर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया बांग्लादेश घुसपैठिए का। गृह मंत्री आपके पास है, रक्षा मंत्री आपके पार्टी का है, तो BSF किनके जिम्मे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके जिम्मे है? तो मैं समझता हूँ जाने अनजाने में उन्होंने सत्य बात कर दी कि घुसपैठिया रहे, इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। पहले ED, CBI, ED जो उनके संवैधानिक संस्थान है, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। जो स्टूडेंट्स हमारी बच्चियां जो पढ़ रही हैं, उनके सावित्रीबाई फुले योजना हमने लाए हैं, जो विदेश पढ़ने जाते हैं उनको मरांग घूम के हमने दिया है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया है, निश्चित रूप से 100% वापसी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह लोहरदगा में मौजूद हूँ। चुनावी सरगर्मी खूब जोर शोर से है। अभी राहुल गांधी को 2 दिन बाद आना है, उसकी जो मीटिंग थी लोहरदगा में चल रही थी, यहाँ तमाम लोग मौजूद थे, कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुखदेव भगत जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस चुनाव के मायने क्या हैं, क्या सरकार रिपीट करेगी चूंकि गठबंधन में है। सर आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस जी सुधाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम ना केवल लोहरदगा के लोगों को बल्कि पूरे झारखंड के लोगों को सबसे पहले छठ महापर्व के मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आपने पूछा अभी, आपने कहा कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के मैं इस लोकल चुनाव या इस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मैं नहीं देखता हूँ। राहुल जी ने अगर भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से संविधान बचाने की जो कवायद उन्होंने की, जो अभियान उन्होंने छेड़ रखा है, ये चुनाव भी उसका एक कड़ी है। क्योंकि आपने देखा होगा कल योगी जी आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे, इनके शब्द क्या होते हैं, बटोगे तो कटेगो, इनके शब्द क्या है, प्रधानमंत्री जी के शब्द क्या है, मंगलसूत्र है, गाय है, गोबर है, हिंदुस्तान है, मुसलमान है, पाकिस्तान है, कब्रिस्तान है, हमारे ये शब्द नहीं है। हमारे शब्द क्या है, राहुल जी के शब्द हैं, गठबंधन के शब्द क्या है, कांग्रेस पार्टी के शब्द हैं, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये हमारे शब्द हैं। हमारे शब्द क्या है, मैया योजना है। हमारे शब्द, हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारे मुद्दे सर्जन पेंशन योजना मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे क्या हैं, अबू आवास हमारे मुद्दे हैं। हम जनता से जुड़े हुए उन तमाम मुद्दों को लेके हम चलते हैं और उनके मुद्दे कहीं ना कहीं जो कहा जाए फैनेटिज्म के इर्द गिर्द ही वो घूमती है। वो आज ही पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये देश नेहरू का देश है, गांधी का देश है, बुद्ध का, गौतम बुद्ध का देश है, मौलाना आजाद का देश है, अंबेडकर का देश है, ये देश संविधान से चलता है, किसी के इच्छा और अनिच्छा से नहीं चलता है। और ये जिस संविधान में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, हम उनको लेके चल रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ की बात की है, उसके पीछे मंशा क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनकी रक्षा हम करें, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनकी हम रक्षा करें, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज या राइट की बात करें, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें उसकी हम बात करें, ये भारत में है अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। इसलिए हमने कहा इस चुनाव को भी हम उसी कड़ी का एक रूप में देखते हैं और ये कह सकते हैं हेमंत जी के नेतृत्व में पुनः गठबंधन सरकार इस बार, तो कोई हमारे लिए कोई इब्बट की बात नहीं है, हम रिपीट कर रहे हैं। सर एक सवाल इसी में जोड़ूंगा, आपने कहा कि मोदी जी कहते हैं या भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कटोगे तो बटोगे, झारखंड में भी ये चालू हो गया है, वो चाहते हैं कि लामबंदी हो जाए, उसमें आगे उन्होंने कहा कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे, हेमंत बिश्व शर्मा ने, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो ये आलमगीर आलम और दूसरे एक और नेता आपके हैं उनका नाम लिया और कहा कि ये झारखंड को लूट लेंगे, आपको क्या लगता है? मैं बताऊँ, हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं असम के। पहले वो बताएं हेमंत बिश्व शर्मा जी, जिन्होंने विशेषकर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया बांग्लादेश घुसपैठिए का, वो हेमंत बिश्व शर्मा जी ये बताएं, कल आपने सुना होगा खड़गे साहब का भाषण सुनोगा, प्रधानमंत्री जी आप हो कि पूरा देश सुरक्षित है, 56 इंच सीने की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री आप हो, गृह मंत्री आपके पास है, रक्षा मंत्री आपके पार्टी का है, तो BSF किनके जिम्मे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके जिम्मे है? तो मैं समझता हूँ जाने अनजाने में उन्होंने सत्य बात कर दी कि घुसपैठिया रहे, इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। और आज भी इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने कहा
वो इंगित करते हैं ये देश में क्या कानून क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि आप जातीय आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे आप किसी भी भेद नहीं कर सकते, क्या वो संविधान को नहीं मानते हैं? वो बता दे, नेमंत विश्व शर्मा जी, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, बता दे मैं संविधान को नहीं मानता हूँ। तो वो इसलिए मैंने कहा कि आज भी मेरे लिए ये संविधान जो है इस भारत के हर नागरिकों के लिए एक के ये केवल ना केवल ये संविधान है, बल्कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम देश का शासन कैसे चलाएं, देश का स्वरूप क्या हो, उस संविधान के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हेमंत सोरेन, अभी जनता का कहना है कि 6 महीने से काम हो रहा है, विपक्ष भी लगातार हमलावर है, 6 महीना में लगता है कि काम हुआ है जिस पे आप दावा कर रहे हैं कि रिपीट करेगी हेमंत सरकार? दो चीजें मैं बता दूं कि कुछ चीज प्रकृति आपदाएं होती है, आपने देखा होगा कोरोना काल था, फिर इन्होंने क्या किया, हेमंत सोरेन जी को उन्होंने जेल में डाला। किस चीज में जेल में डाला, एक मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली के हैं सुधाकर जी, यहाँ छोटा नागपुर ही टेनेंसी एक्ट चलता है, संथाल पना टेनेंसी एक्ट चलता है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में जो भूयर लैंड होता है वो सेलेबल नहीं होता है, जो जमीन सेलेबल नहीं होता है, जो जमीन बिक्री योग्य नहीं है, तो हेमंत सोरेन ने खरीदा कैसे? तो पहली बात तो यही समझ ले, तो ये इस प्रकार के फैब्रिकेटेड केस के माध्यम से सबसे पहले सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, पहले ईडी, सीबीआई, ईडी जो उनके संवैधानिक संस्थान है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। वो जब बोल हेमंत सोरेन जी पुनः आए, उन्होंने मैया योजना लागू की, आपको पता है ये केंद्र की सरकार ने 1,36,000 करोड़ रुपए हमारे रॉयल्टी के पैसे उन्होंने दबा के रखा है। हम ये मांग रहे हैं कि आप पैसे हमें दे दो, हम बहुत सारे आधारभूत संरचना यहाँ हम उसे ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक होगा, वो तो दे नहीं रहे हैं। और एक बात बताऊँ, हेमंत बिश्व शर्मा जी, योगी जी, प्रधानमंत्री जी, शिवराज चौहान जी, अचानक उनका झारखंड आने के बाद आदिवासी प्रेम जग गया है, वो अपने विधानसभा से आदिवासियों को चिर परिचित मांग है। ये रिलीजियस आइडेंटिटी की बात मैं कर रहा हूँ, धार्मिक पहचान की बात कर रहा हूँ, सरना धर्म कोड पारित करके भेज तो दें वहाँ से, उसके बाद आदिवासियों के ऊपर बात करें। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमारी सरकार पुनः रिपीट कर रही है। आखिरी सवाल सर, आप पे लगातार यह आरोप लगता है, कि तुष्टिकरण की नीति के तहत आप लोग यहाँ सरकार चला रहे हैं और आपकी सह पे बांग्लादेशी है और उनका वोट लेकर आप सरकार बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके जिम्मे, पहली बात तुष्टिकरण का जरा वो बड़ा वेग टर्म है, वो जरा बताएं तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है, आप उठा के देख लें। आपका तुष्टिकरण का मतलब होता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनके क्या रेशियो हैं, जो योजनाएं हैं उसमें क्या रेशियो है। तो ये शब्द जो है ना, ये राजनीतिक शब्द है और ये राजनीतिक शब्द जनता समझती है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी भारत की जनता और झारखंड की जनता फेडरलिज्म वो नहीं चाहती है, वो आज भी जन मुद्दों के साथ चलती है। सर, लगता है कि मैया योजना और तमाम जो अबू आवाज जैसी योजनाएं वो काम की और वापसी होगी? निश्चित रूप से, आपने देखा होगा न केवल हमने 1,000 देने की बातें की है, हमने 2,500 देने की बातें की। और आपको मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी जब बहनों को हम ये पैसा दे रहे हैं तो उन्हें PIL इसमें करा दिया, और हर वर्गों के लिए है। जो स्टूडेंट्स हमारी बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनके सावित्रीबाई फुले योजना हमने लाए हैं, जो विदेश पढ़ने जाएं उनको मरांग घूम के हमने दिया है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया है। तो हर चीज़ें हम जनता से जुड़े हुए चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। वापसी होगी निश्चित रूप से, 100% वापसी होगी। ये हमारे साथ सुखदेव भगत थे, सांसद हैं, और इनसे बातचीत हो रही थी, इन्होंने साफ साफ कहा, पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं, उससे लबरेज है, और कहा कि हम सरकार में वापसी कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम फिर सरकार बनाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।